वेलकम अंजुम्स किचन में, वेलकम आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो बच्चों ने कहा कि कुछ ऐसा बनाइए कि बाहर गार्डन में बैठ के गरम गरम पराठों के साथ हम खाएं। तो बस हमारे दिमाग में आया ये चटपटा सा चिकन बना लेते हैं जो बिल्कुल भी 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं बड़े मजेदार सा चिकन जो कि कुर्रे कुर्रे पराठों के साथ और ज्यादा लजीज लगेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिया है चिकन, उसमें हमने डाला नमक, थोड़ी सी डाली हमने हल्दी और उसे भाप दे लिया। और भाप देने के बाद देखिए इस तरीके से उसे हमने श्रेड कर लिया। तो ये हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे हमने काट लिया ढेर सारी प्याज, यहाँ पे प्याज की जरूरत पड़ेगी वो भी ढेर सारी। यहाँ पे देखिए हमने करी लीव्स लिया है और करी लीव्स हमने 3 दिन पहले लेके आया था, लेकिन हमने इस तरीके से पेपर में उसे लपेट के रख दिया था। तो देखिए बिल्कुल भी फ्रेश हैं और एकदम हरे हैं। तो हमेशा जब भी आप हरा धनिया हो या करिया पाक हो इसे पेपर में लपेट के रखा करें। यहाँ पे जाएगी हरी मिर्च, आपके ऊपर आपको कितना डालना है। तो हमने यहाँ पे ढेर सारी हरी मिर्च कट कर लिया। चलिए जल्दी से चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो ये लीजिए हमने गैस को ऑन कर दिया, प्यारे से बॉक को इस पर रख दिया है, तेल डाल दिया है, तेल गरम हो चुका है। बस अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज ज्यादा लीजिएगा, उससे क्वांटिटी भी बढ़ती है और प्याज से अच्छा मजा आता है। प्याज को हमें यहाँ पे लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसे ट्रांसलूशन करेंगे, काफी है। तो ये कम से कम 3 प्याज हैं, इसे 1-2 मिनट तक हम पका लेंगे ताकि थोड़ी सी ये नरम हो जाए। साथ में इसमें जाएगी हरी मिर्च जो कि हमने आपको बताया खड़ी खड़ी सी काटा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी लेना है, हम ज़्यादा ले रहे हैं ताकि अच्छा प्यारा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज बहुत अच्छे से गुलाबी हो गई है, हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बस इसी जगह पर अब हम डाल देंगे मसाले और सबसे पहले जाएगा इसमें करिया पाक, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सा। देखिए और करी पाक के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इसको मीठा नीम भी कहा जाता है। ये आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये हर तरीके से फायदेमंद है। इसकी चटनी बनाकर खाइए आप, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। आप इसे तेल में, नारियल के तेल में पकाकर बालों में लगाइए, उससे बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं। तो आपको जितना डालना है करिया पाक डालिए, इसी बहाने से बच्चे जो होते हैं करिया पाक खा लेंगे। दाल वगैरह भी जब बघाकते हैं तो उसमें करी पत्ते का इस्तेमाल करिए। तो ये हो गया, अब चलिए अब इसमें डाल देते हैं हम सूखे वाले मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब। और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, ये आपके हिसाब से डालिएगा। हम चटपटा बना रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, 2 टीस्पून के करीब रेड चिली का पाउडर डाल दिया हमने। और इसमें धनिया वगैरह कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा नमक जाएगा। वैसे नमक हमने उबालने के वक्त भी डाला था चिकन में, तो उस हिसाब से आप डालिएगा। हमने यहाँ 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, बस इसे एक हाथ चला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे चिकन को। फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि जो मिर्ची है थोड़ा सा पक जाए, कच्ची ना रहे। थोड़ा पक जाती है तेल में जब लाल मिर्च, करिया पाक, हरी मिर्च, तो बहुत प्यारी सी खुशबू इस वक्त आ रही है, हम आपको क्या बताएं। तो सर्दी वगैरह में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, गरम गरम पराठे के साथ बाहर लॉन में या गैलरी में बैठ के जब खाते हैं तो शामी कबाब हो या ये हो तो ये बड़ा मज़ा देता है। तो हमने ये डाल दिया और आज बच्चे खुश हो जाएंगे कि मज़ेदार सी चीज़ मिल गई और बहुत जल्दी भी बन जाती है और हेल्दी भी होती है। बस एक ही भाप दिया था हमने, हल्दी और नमक डाल के चिकन को, और फटाफट हमने इसको श्रेड कर लिया और लीजिए बन गया ये। चलिए अभी से हम मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स करके आपको इसे 5-1 मिनट तक पका लेना है ताकि अच्छा फ्राई हो जाए। और लास्ट में इसमें काली मिर्च जाएगी जब ये अच्छे से फ्राई हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब नीचे देखिए लगने लगा है, इसका मतलब ये है खूब अच्छे से ये फ्राई हो गया है। और वैसे भी इसमें तेल बहुत कम डाला है, बड़ा हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए। सब लोग समझेंगे कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन ये बड़े आसानी से बनता है। और सेम चीज़ से जो चिकन तैयार हुआ है आप 2-3 चीज़ें इसे बना सकते हैं। आप इससे समोसे बना सकते हैं, आप इसको आलू की पैटीज में भर सकते हैं तो पैटीज तैयार हो जाएगी। तो ये रेडी हो गया। अब जैसे कि आपको हमने बताया गैस को हमने बंद कर दिया और ऊपर से हम डाल रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च ऊपर से डालिएगा घर की पिसी हुई, बहुत मज़ा आ जाता है। तो ये चटपटा सा हमारा अच्छा वाला टेस्टी वाला चिकन तैयार हो गया। चलिए अब इसे सर्व करते हैं।
तो दोस्तों हमने सर्व कर दिया है, बस अब गरम गरम पराठे बनाएंगे हम घी वाले, और उससे ये बहुत ज़्यादा मज़ा लगेगा, इसका जो जायका है वो दो बाला हो जाएगा। तो आप भी ये आसान वाला चिकन बनाइए और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। आपको अंजुम्स किचन पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मज़ेदार हों और झटपट बन जाएं, जिसमें आपको किचन में बहुत ज़्यादा वक्त ना देना पड़े। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। खुदा हाफिज़।